नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नो स्थित धामपुर की, जहां विकास खंड अलैपुर के ग्राम पंचायत अलैपुर उर्फ नौरंगाबाद के सचिवालय में ग्राम पंचायत पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनिल कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। पुस्तकालय में कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, बाल एवं पुष्टाहार विभाग, सहकारिता विभाग, विकास विभाग से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय पर उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र ग्रामीण वासियों को पढ़ने हेतु दैनिक रूप से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिससे ग्रामवासियों को प्रतिदिन योजनाओं व दैनिक खबरों की ग्राम पंचायत स्तर भरी जानकारी प्राप्त हो सके। बैठक में सहायक विकास अधिकारी कृषि सोमपाल सिंह, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता तथा सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी कृषि भूपाल सिंह, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार सहित बबली, माया देवी, सुनील कुमार, मंगल सिंह सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे तथा पंचायत सहायक कविता भी उपस्थित रही। इस दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसका संचालन सचिव नीरज कुमार ने किया। इस उद्घाटन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि शासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह हमारे शहर डेवलप हो रहे हैं और हर सुविधा शहर में है, और ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें कुछ सुविधाएं सभी अभी वंचित हैं, जिनको लोगों को जरूरत उन सुविधाओं की आज के दौर में पड़ रही है। तो इसलिए शासन ने ये निर्णय लिया है कि गांव की जो भी समस्या है या गांव में जिन कार्यों के लिए लोगों को शहरों में आना पड़ता है, तो वे सारे कार्य हमारे बाहर ना जाना पड़े और ग्राम पंचायत स्तर पर उन सारी समस्याओं का निस्तारण हो सके। जैसे हमारी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, शादी अनुदान के बाद और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।